हमारे, मैं कहूँगा हमारे पास जितने अल्फाज थे एट अवर कमांड, वो ऑल पुट देम डिमांड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने मौसर तरीके से इफेक्टिवली कमीशन के सामने रखे हैं कि यहाँ के लोग जमहूरियत पे, जमहूर से जो एक तरीके कार से दूर रखे गए हैं फॉर द लास्ट सिक्स ईयर्स, 2018 में यहाँ की सरकार को गिराया गया, लास्ट इलेक्शन वेर हेल्ड इन 2014, और आज 10 साल से एक नए इलेक्शन नहीं हुए जो 6 साल से ड्यू हैं हमारे, तो सारे कवायफ हमने उनको बता दिए, पार्लियामेंट इलेक्शन पुरअमन हुए, 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए, यात्रा पुरअमन तरीके से हुई, तो फिर क्या वजूहत हैं? There should be no reason to say no to elections of Jammu and Kashmir. देखिए 96 से हालात ख़राब तो नहीं हैं, हमारे 1 करोड़ लोग यहाँ पे आ गए जैसे गवर्नमेंट का दावा है, 1 करोड़ सयाह टूरिस्ट यहाँ आ गए, अमन आराम से अपने घरों को चले गए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए पुरअमन तरीके से हुए, हमारी यात्रा पुरअमन तरीके से हुई, फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कौन सा बहाना हो सकता है? ग्राउंड की तीन मिसालें मैंने कमीशन को दे दी, तीन मिसालें, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, एक 1 करोड़ टूरिस्ट, एक हमारी यात्रा पुरअमन, और उससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हालात ठीक है? आई बिलीव जो हमने रिक्वेस्ट करी है, जो हमने दलाइल उनके सामने रखे हैं मौसर तरीके से जो हमने दलाइल अपने प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की तरफ से जानिब से उनको दिए हैं, आई बिलीव दे वर इम्प्रेस्ड हैं और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हों।